गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप देख सकते हैं बैक साइड में रात है और बज रहे हैं 3 और 3 बजे लेकर बैठ गई मैं झाड़ू, क्योंकि यहाँ साफ़ सफाई जल्दी करनी थी। घर के हाल देख सकते हैं, तक्षु सो रहा है तो सब कुछ बिखरा पड़ा था तो सब कुछ ठीक करना था। तो आप देख सकते हैं यहाँ से शुरुआत करती हूँ मैं काम की। रात काफ़ी है लेकिन सुबह होने से पहले फटाफट फटाफट करती हूँ। तो शुरुआत कहाँ से करूँ सोच रही हूँ शुरुआत करती हूँ झाड़ू से ही। गाइस गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका मेरे फिर से एक न्यू व्लॉग जिसका नाम है तक्ष एंड मामा व्लॉग्स। मैं उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आप लोग अपने घर में सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं भी बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ। लेकर आई हूँ फिर से एक नया व्लॉग जिसका नाम है तक्ष एंड मामा व्लॉग्स। तो दोस्तों आज सुबह के बज रहे हैं 5 और मैं जो है 3 बजे उठ गई थी लगभग, क्योंकि 3 बजे हमारे घर में सारे उठ गए थे क्योंकि आज है बूबू का श्राद्ध, जिसके लिए हमको जल्दी जल्दी तैयारी करनी थी क्योंकि पंडित जी सुबह 10 बजे आने वाले थे। तो घर की साफ़ सफ़ाई, झाड़ू पोछा, एक सब कुछ देखना था। तो इस वजह से हम लोग सब मिलके जल्दी उठ गए थे ताकि हम लोग जल्द से जल्द काम कर सके। और साथ में है तक्षु का स्कूल, तो तक्षु हमारा ये है सोया हुआ। दोस्तों अभी बज गए हैं सुबह के 6:30 और हो गया है तक्षु का उठने का टाइम और तक्षु को उठाना है। कुंभकर्ण इतना है, पानी मैंने इसका गर्म करके रख दिया था बाथरूम में, और क्योंकि गर्म पानी से सुबह नहला के भेजते उसको स्कूल, क्योंकि ठंडा भी अब होने लग गया है और सुबह ठंड भी होती है बच्चों के लिए, तो इसलिए। तो अब तक्षु करने गएगा उठने में ड्रामा, मैं फटाफट से तक्षु को उठाती हूँ, तैयार करा के स्कूल भेजना है, उसके बाद मिलते हैं अभी थोड़ी देर में। लाल अब आंखें खोलो, पानी लाई हूँ मुँह को धो लो, उठो लाल। कुंभकर्ण भाई कुंभकर्ण। फाइनली हमारे तक्षु ने नहा लिया है और ओल के बैठा हुआ है, छिंदल छिंदल सा बच्चा। अब इसको हम करेंगे तैयार। फाइनली अभी श्राद्ध हो गया है बूबू का ख़त्म और अभी पंडित जी गए हैं और तक्षु भी आ गया है, बड़े पापा लेके आ गए थे तक्षु। तो दोस्तों फाइनली सारे काम निपटाने के बाद तक्षु को ये सो गया हमारा तक्ष। अब मैं फटाफट से खाना खाती हूँ क्योंकि मुझे लग रही है भूख, क्योंकि रात को भी नहीं खाया था फिर सुबह भी। तो अभी बज रहे हैं लगभग 2:30 बज गए हैं और 2:30 बजे मैं खाना खाना शुरू कर रही हूँ। और मेरे पास है टेस्टी टेस्टी रायता, टेस्टी टेस्टी खीर और राजमा चावल और ये प्यारे से बटको, ये मांस की दाल के बनते हैं भिगा के, कभी इसकी रेसिपी आपको बताऊंगी जिन लोगों को नहीं पता है, और साथ में पूड़ी। तो इतनी सारी चीज़ें हैं, इन्जॉय करते हो, मिलते हैं अभी खाने के बाद। तो बहुत टाइम से खाना खाने के बाद मुझे आ गई थी नींद और तक्षु में सो गए थे, उसके बाद सीधे रात हुई, मतलब 6 बज गए थे, 6 बजे अंधेरा हो गया था। तो तक्षु के बोबो के साथ चले गए थे ट्रैक्टर में, गाड़ी में, ट्रैक्टर में डीजल भराने के लिए। तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था क्योंकि उठने के बाद ना बाहर जाओ राइडिंग करो तो अच्छा लगता है, तो बिल्कुल अच्छा लग रहा था। तक्षु तो वैसे ट्रैक्टर में बैठ के इतना ज़्यादा खुश होता है, तो बिल्कुल मस्त होके बैठा हुआ था, आप देख सकते हैं अभी उठा है कितना ज़्यादा खुश है, वैसे चिड़चिड़ा मूड रहता है इसका। तो गाइज़ उम्मीद करती हूँ कि आज का ब्लॉग आपको अच्छा लग रहा होगा। दोस्तों अगर अच्छा लग रहा है तो मेरी वीडियो को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करना है आपको, और लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।